नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर ऑटोमोबाइल पे। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे ये जो बम्पर डेंट्स होते हैं उनको आप घर पर ही ठीक कर सकते हैं। ये डेंट मैंने घर पर ही ठीक किया है, आप देख सकते हैं, और इसके लिए मुझे लगा सिर्फ 3 मिनट का समय। ये छोटी जो हैचबैक कार से, चाहे वो मारुति की हो या कोई और कंपनी की हो, टाटा अल्ट्रोस की मैं बात नहीं करूंगा, उसमें कभी ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको फ्यूचर में जरूर बताऊंगा। अच्छा खासा टेम्परेचर पे गर्म किया हुआ पानी आपको चाहिए, जिसको आपको बम्पर पे डालना है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट होने के बाद आप ये डेंट इजीली निकाल सकते हो। हालांकि मैंने इसमें हार्ड बम्पर में भी ट्राई किया था, लेकिन वो नहीं पुश हो पा रहा था, या मैं ज्यादा पुश करता तो शायद वो डेंट पूरा अच्छे से शेप से बाहर नहीं आ पाता। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं इसमें अच्छा खासा पानी डाल रहा हूँ और ये इजीली डेंट निकल जाएगा। और इसके बाद जो ये स्क्रैचेस है, इनको आप हटा सकते हैं। इसमें भी आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होगी, तो आप है ना पूरा वीडियो देखना। ये दोनों भी यहाँ से खड़े खड़े सोच रहे हैं कि ये इसको जला क्यों रहे। अरे भैया, मैं जला नहीं रहा हूँ, इसका जो बीमारी है उसको सही कर रहा हूँ। अभी आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसको है ना गर्म कर दिया। अब मैं इसको हल्के से पुश करूँगा, और हो सके तो आप है ना पुश इसको सेंटर से करना, ताकि पूरा डेंट अच्छे से निकले। अब जैसे मैंने सेंटर से पुश किया तो अच्छे से ये डेंट है ना निकलेगा। ये देखिए, ये निकल गया, ऑलमोस्ट ये निकल गया है, ठीक है। थोड़ा सा बचा है, एक बार अपने इसको क्लीन करते हैं, ताकि अपने को ना पता चले एग्जैक्ट शेप कितना बाकी रह गया है। मैं इसको क्लीन कर देता हूँ अच्छे से। ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं, ये स्क्रैच तो है ना ऑलमोस्ट जो ऊपर है। अब ये मैं आपको कैमरे में दिखाता हूँ, ये छोटा सा जो एक है ये थोड़ा बच गया। इसको भी थोड़ा मुझे ना गर्म करना पड़ेगा, वरना ऐसे तो नहीं निकलेगा। स्क्रैच है, स्क्रैच को आप ना थीनर या पेट्रोल से इजीली हटा सकते हैं। जहाँ से पेंट आपका निकल गया है वो थोड़ा आपको पेंट जॉब करवाना पड़ेगा। और अगर आप अपनी गाड़ी ओरिजिनल रखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये छोटे मोटे स्क्रैचेस सिटी में हो ही जाते हैं बम्पर पर। अभी आप देखिए पूरा शेप आपको ये दिखेगा कि ये पूरा शेप में आ चुका है, सिवाय ये इस जगह पर जो छोटा सा अभी एक स्पॉट दिख रहा है, उसको भी मैं ना पुश कर देता हूँ, तो वो भी सही हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो एक बार ट्राई करते हैं उसको भी। ये ट्रिक आप हैचबैक्स पर ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उनमें इजीली ये चीज़ निकल जाएगी। बस आपका हाथ अंदर एक्सेसिबल होना चाहिए, जहाँ तक आपका हाथ पहुँच सके उतनी जगह होनी चाहिए। कुछ कारों में ये नहीं होती, जैसे स्कोडा कार से, शायद उनका बम्पर भी इतना स्मूथ नहीं होगा, पर आप उसको थोड़ा हीट ऐसे पानी से करोगे तो उनमें भी निकल सकता है। ये देखिए वो डेंट भी निकल गया जो छोटा सा स्पॉट दिख रहा था। अब सिर्फ पेंट वर्क है, जो आप चाहो तो करा सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है फालतू में 5 से 7 हज़ार रुपये खर्चने के, और ये इजीली आपका घर बैठे ही काम हो सकता है। जो स्क्रैच है ऊपर, वो मैं थीनर या पेट्रोल से ज़रूर हटा दूंगा। और ऐसे ही कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको मैं ऐसी ही यूज़फुल चीज़ें बताता रहूँगा, और कार्स के रिव्यूज़ और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, इसीलिए आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा। बाकी किसी अनजान आदमी को अगर आप ये दिखाओगे तो उसको ज़रा भी भनक नहीं लगेगी कि यहाँ पे कोई डेंट भी था क्या। अब आप देख सकते हैं इसमें आपको कहीं पे भी डेंट आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ ये स्क्रैच है जहाँ से पेंट थोड़ा निकला है। बाकी उसके अलावा आप देख सकते हैं कि पूरा पूरा डेंट मैंने बाहर निकाल लिया। ड्राई बम्पर पे आप ट्राई मत करना, क्योंकि उसमें आपका डैमेज हो सकता है प्लास्टिक, और क्रैक हो सकती है। एंड इसी के साथ आपने हमारा चैनल देखा, उसके लिए धन्यवाद।